हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कैलाश मंदिर के बारे में। स्वयं भगवान परशुराम ने की थी स्थापना। ये दुर्लभ है दो शिवलिंग के ऐसे दर्शन, जानिए 10,000 पुराने इस मंदिर की क्या है विशेषता। कैलाशपति महादेव का दरबार 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यहाँ एक साथ दो शिवलिंग मंदिर की महिमा को और भी बढ़ाते हैं। यह शिवलिंग भगवान परशुराम और उनके पिता द्वारा स्थापित किए गए हैं। यमुना नदी के किनारे कैलाश महादेव में सोमवार को आस्था का समंदर सांवर पड़ता है। यहाँ पर जुड़वा शिवलिंग स्थापित हैं। त्रेता युग में कैलाश पर्वत पर इन्हें स्वयं भगवान शिव ने परशुराम और उनके पिता ऋषि जयदग्नि को दिया था। वह इन्हें आगरा लेकर आए थे। कैलाश महादेव मंदिर आगरा शहर से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर सिकंदरा इलाके में यमुना किनारे स्थित है। नेशनल हाईवे 2 से सिकंदरा से लगभग 2 किलोमीटर अंदर की तरफ यह गांव कैलाश गांव के नाम से फेमस है। श्रावण महीने के तीसरे सोमवार को आगरा में कैलाश महादेव मंदिर में मेले का भी आयोजन होता है। मान्यता है त्रेता युग में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने के लिए गए थे। दोनों पिता पुत्र की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। इस पर भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा और हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद मांग लिया। प्रसाद की दुकान है। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों पिता पुत्र को एक एक शिवलिंग भेंट स्वरूप प्रदान किया। मंदिर के बाहर ही प्रसाद पुष्प और दीप भी खरीदे जा सकते हैं। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब दोनों पिता पुत्र यमुना किनारे अग्रवन में बने अपने रेणुका आश्रम में चले गए, तो आश्रम से 6 किलोमीटर पहले ही यात्री विश्राम को रुके। फिर सुबह होते ही दोनों पिता पुत्र हर रोज की तरह नित्र कर्म में के लिए गए। इसके बाद ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने के लिए पहुँचे, तो वहाँ ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गए। शिवलिंग को महर्षि परशुराम और उनके पिता ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन उस जगह से नहीं उठा पाए। हार कर दोनों पिता पुत्र ने उसी जगह शिवलिंगों की पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया और तब से इस धार्मिक स्थल का नाम कैलाश पड़ गया। इस मंदिर की मान्यता यह है, जो भक्त पूरी भक्ति निष्ठा और लगन से इस मंदिर में पूजा करते हैं, उन पर महादेव बहुत जल्द खुश होते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साथ ही सावन के महीने में इस मंदिर की मान्यता और अधिक बढ़ जाती है और भारी संख्या में भक्त इस मंदिर की ओर रुख करते हैं और अपनी पूजा पाठ से महादेव को खुश करने का प्रयास करते हैं। मंदिर के सामने ही नंदी की भी मूर्ति लगी हुई है। आगरा के इस कैलाश महादेव मंदिर को लेकर मान्यता यह है कि यह भगवान शिव का एक दुर्लभ मंदिर है, जो दुनिया में और कहीं नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में एक साथ दो शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जितना महत्व आगरा के इस कैलाश मंदिर का है, उतना ही पुराना इस मंदिर का इतिहास भी है और उतना ही महत्वपूर्ण और रोचक है इसकी पौराणिक मान्यताएँ और किंवदंतियाँ। मंदिर का पिछला हिस्सा यमुना तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर भी एक शिवलिंग रखे हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं।
यहाँ पर बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। और यह यमुना नदी के तट पर बना यह शिव मंदिर काफ़ी अद्भुत है।